मास्क ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका रिव्यू हमने कुछ ही देर पहले आपके साथ शेयर भी किया है। वैसे फैंस जितना ज्यादा इस फिल्म का वेट कर रहे थे, इस ट्रेलर के बाद उनका एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। और अब हम आपको ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के ट्रेलर की चार ऐसी खास बातें बताने जा रहे हैं, जिसके बाद आपका एक्साइटमेंट फिल्म को लेकर दोगुना हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खास बात है फिल्म का VFX। ट्रेलर की शुरुआत में ही आप देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े जहाजों और पक्षियों को बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है, जिसे देखकर आपको इस फिल्म में एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। फिल्म का VFX वाकई में कमाल का है। और दूसरी खास बात है फिल्म की टेक्निक्स। वैसे तो इसके ट्रेलर के आने से पहले ही खबर थी कि इसमें जबरदस्त टेक्निक्स देखने को मिलेंगी, लेकिन ट्रेलर के आते ही ये बात 100% साबित भी हो गई है, जो इस ट्रेलर को और भी ज्यादा शानदार बनाती है। हवा में उड़ती स्टार कास्ट के साथ जबरदस्त टेक्निक वाकई में शानदार तरीके से दिखाई गई है। तीसरी खास बात है स्टार कास्ट का लुक। जब से फिल्म की स्टार कास्ट के मोशन पोस्टर रिलीज हुए हैं, फैंस ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अपने फेवरेट स्टार्स के लुक को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और ट्रेलर में इसके स्टार कास्ट का लुक एकदम बेहतरीन है। जिस तरीके से इनकी कॉस्ट्यूम और लुक डिजाइन किया गया है, उससे फिल्म का लेवल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और चौथी और आखिरी खास बात है अमिताभ बच्चन और आमिर खान का एक्शन सीन। और ट्रेलर में जिस बात ने आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया होगा, वो है अमिताभ बच्चन और आमिर खान का एक्शन सीन, जिसमें इन दोनों के बीच तलवारबाजी का एक सीन फिल्माया गया है। और ऐसा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में आपको पहली बार देखने को मिलेगा। तो आपको ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ये ट्रेलर कैसा लगा और आप इनकी चार खास बातों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।